हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डेक्कन के कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे, आज हम इसकी फर्स्ट पेंटिंग स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है रागनी पेट हमसिका। तो ये है वो पेंटिंग, आप देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। पेंटिंग का नेम है रागनी पेट हमसिका, इसका आर्टिस्ट अननोन है, पता नहीं किसने ये पेंट की। स्कूल अहमदनगर बीजापुर डेक्कनी स्कूल अहमदनगर में ये पेंट हुई। पीरियड अप्रोक्सीमेट 1595 AD, इस टाइम के करीब ये पेंट की गई। मीडियम इसका वाटर कलर ही है ऑन पेपर टेम्परा। इसकी जो लोकेशन है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, ये पेंटिंग भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में पड़ी है। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब पेंटिंग में इन्होंने क्या बताया हुआ है। This is a vertical painting of रागनी पेट हमसिका, ये रागनी पेट हमसिका की वर्टिकल पेंटिंग है, आप देख सकते हो। ये रागनी पेट हमसिका वर्टिकल पेंटिंग है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम रागा हंस धवानी, ये रागा हंस ये एक प्रकार का राग ही है जो गाने के लिए यूज किया जाता था, ये उसमें से पेंटिंग जो है रेडी की गई है। In this painting, artist has shown his keen attachment to art, which is found only in Anwar-e Sunehli, a book of fable book. इस पेंटिंग में आर्टिस्ट ने अपनी पूरी अटैचमेंट जो है शो की है, और ये जो है आर्ट ये अनवर-ए सुनेहली बुक में मिलती है, देखने को मिलती है। ये वाली बुक है अनवर-ए सुनेहली, उस बुक में ये पेंटिंग देखने को मिलती है। आउट ऑफ देम देयर इज रागनी पेट हमसिका, ये रागनी पेट हमसिका। डिस्क्रिप्शन, इन दिस पेंटिंग अ लेडी इज सिटिंग इन द सेंटर हैविंग अ वीना इन हर हैंड्स। पेंटिंग में हमें एक ये लेडी दिख रही है जिसने अपने लेफ्ट हैंड में ये वीना है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो उसने पकड़ा हुआ है। ऑन हर बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड वन लेडी इज शोन, उसके लेफ्ट और राइट साइड पे एक लेडी को दिखाया है। बोथ आर लिसनिंग टू वीना, ये दोनों जो फीमेल है ये वीना सुन रही है। राइट बिलो अ कोर पॉट कैन बी सीन, उनके नीचे यहाँ पे एक पॉट है जिसको एज अ स्टिल लाइफ ही यूज किया है उन्होंने। एन एलिफेंट हैविंग हिज ट्रंक अपवर्ड कैन बी सीन ऑन द राइट साइड बिलो ऑन द राइट साइड ऑफ द लेडी। राइट साइड में लेडी के राइट साइड में एक एलिफेंट है जिसने अपनी ट्रंक को अपवर्ड किया हुआ है। द फोरग्राउंड इज पेंटेड इन रेड एंड ऑरेंज कलर, जो इसकी फोरग्राउंड है पेंटिंग की और वो रेड एंड ऑरेंज कलर यूज किया है यहाँ पे उन्होंने। टू बैलेंस इट मोर देन हाफ पार्ट ऑफ पेंटिंग इज कवर्ड विद ग्रीन एंड येलो कलर, इस पेंटिंग का ज़्यादातर जो पार्ट है उसको बैलेंस करने के लिए उसमें उन्होंने ग्रीन एंड येलो कलर के साथ पेंट किया है। यहाँ पे ये फ्लावर बने हुए हैं, ये डिजाइन है ये ग्रीन कलर का है एंड ये येलो है, ये पेंटिंग को बैलेंस करने के लिए उन्होंने यूज किया है। ऑन द अबव एन अम्ब्रेला इज शोन विद सेम कलर, यहाँ पे एक अम्ब्रेला दिखाया है, इसको उन्होंने अम्ब्रेला ही बोला है, ये भी सेम कलर के साथ दिखाया है, येलो ऑरेंज जो यहाँ पे यूज हुए हैं ना उसी कलर के साथ दिखाया है। लेडीज आर शोन थिन एंड इन प्रोफाइल फेसेस विच इज द पार्ट ऑफ मोबल एंड डेक्कनी आर्ट, यहाँ पे लेडीज दिखाई है जो बहुत स्लिम, देखो कितनी स्लिम है, एंड जो उनका फेस है एक चश्मा दिखाया है, साइड प्रोफाइल फेस है जो कि मुगल और डेक्कन स्टाइल का ही पार्ट था। इन द बैकग्राउंड ऑरेंजिश रेड एंड येलो कलर टोन्स आर देयर, बैकग्राउंड में यहाँ पे ऑरेंज कलर और रेड कलर के टॉम जो है दिखाए हैं, ये देखो टॉम यहाँ पे बना हुआ है। इन
the center, one blue color tom can be seen, on which some Persian and Persian art can be seen. के सेंटर में एक ब्लू कलर का टॉम दिखाया है, जो ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये पर्शियन स्टाइल का डिज़ाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो. टू डार्क ग्रीन कलर टॉम कैन आल्सो बी सीन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ बैकग्राउंड. दो ग्रीन कलर के टॉम्स और हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों ग्रीन कलर के टॉम है एंड इस पर भी पर्शियन इफेक्ट का जो ये डिजाइन है बना हुआ है. इन द सेंटर एंड अम्ब्रेला एंड सम ग्रीन एंड येलो कलर फ्लावर एंड प्लांट विद लीव्स कैन बी सीन. यहाँ पे बैकग्राउंड में अम्ब्रेला और येलो कलर के जो भी प्लांट्स हैं वो यहाँ पे ग्रीन लीव्स के साथ दिखाए हुए हैं. द अम्ब्रेला इज हैंग्ड ऑन टू पिलर्स विच आर ऑफ येलो कलर. ये जो अम्ब्रेला है यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको दो पिलर्स ने बैलेंस किया हुआ है, स्टैंड किया हुआ है, इसी पे जो ये है टिका हुआ है पिलर्स पे ये अम्ब्रेला, एंड ये येलो कलर का पेंट किया है इन्होंने. लेडीज गारमेंट आर ट्रांसपेरेंट विच इज ऑल फ्रॉम मुगल आर्ट. लाइंस आर थिन हार्ट एंड रिदमिक्स. जो लेडीज़ के गारमेंट हैं, इन्होंने जो अपने कपड़े वेयर किए हैं, ये सारे मुगल स्टाइल के हैं एंड जो इसमें लाइन वर्क यूज़ हुआ है वो थिन एंड हार्ड रिदमिक लाइन है. ये देखो यहाँ पे आ गया रिदम, देखो ऐसे आ जाता है ना रिदम लाइन, यहाँ पे रिदम आ गया और काफ़ी ब्रीक लाइन यहाँ पे इसके ड्रेस पे आप देख सकते हो. ये देखो यहाँ पे रिदम आ गया लाइन में एंड इसका जो पैटर्न है इसकी ड्रेस का, देखो कितनी ब्रीक लाइन के साथ उन्होंने शो किया. यहाँ पे थिन लाइन यूज किया उन्होंने. फुल पेंटिंग शोज द रागा हंसहमनी रागनी पट हमसिका. पूरी पेंटिंग में उन्होंने रागनी पट हमसिका को दिखाया है, जो कि रागा हंसवानी से ली गई है. इट इज टू बी अज्यूम डैट दिस पेंटिंग इज सक्सेसर ऑफ मुगल आर्टिस्ट उजुल हुसूफ अथी शाह. ये जो पेंटिंग है ये मुगल का आर्टिस्ट था उसूल अती शाह पर जो सक्सेसर था, ये पेंटिंग उसी की मानी जाती है और पेंटिंग के अपर में कुछ कैलीग्राफी भी की हुई है.